वेलकम टू माय चैनल वरदास फूड कोर्ट। आज हम बिल्कुल सिंपल तरीके से तुरई बनाने जा रहे हैं। ये फूड कुकर में 5 मिनट में बन जाएगी। ये 6 टेबल स्पून मैंने इसमें सरसों का तेल डाला है, हाफ मीडियम से छोटी प्याज डाली थी आधी कट करके, और 1/4 टीस्पून ज़ीरा है, 2 पिंच इसमें राई है, मस्टर्ड सीड्स जो होते हैं, 2 पिंच इसमें कलौंजी है, और 2 पिंच ही हमने अजवाइन डाली थी। अजवाइन से तुरइयों में अच्छा टेस्ट आता है। और एक लाल मिर्ची छोटी साबुत इसको कट करके डाल दिया है। जब हमारा थोड़ा बघार हो जाएगा उसके बाद हमने ये आधा किलो तुरई थी जो धोकर हमने कट कर ली है, और कट करने के बाद भी धोई और छन्नी पर रख दिया था। इसी के साथ हमने एक छोटी हरी मिर्च और इसमें एक छोटा सा टमाटर काट लिया है बारीक बारीक। उसके बाद हमने इसमें 2 पिंच हल्दी डालेंगे, हल्दी पाउडर, और 1/4 टीस्पून इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, और 1/2 टीस्पून इसमें नमक है, और बाकी कोई मसाला भी नहीं जाएगा इसमें। इसको डालकर हम थोड़ा सा भून लेंगे सब चीज़ों को। ये हमने भून लिया है तुरइयों के साथ मसाला। इसमें बिल्कुल भी मसाले की नहीं आती है, सब साथ में ही पक जाता है मसाला। ये हमने भून दिया है मसाले को, तुरई के साथ मसाला थोड़ा भून गया, तुरई भी भून गई है। अब हम इसका लिड लगा देंगे कुकर का। ये हमने इसको मीडियम फ्लेम पर रख दिया है लिड लगा कर इसका, और ये हमारा मीडियम फ्लेम पर इसमें 6 सीटी आई थी हमारी, और 6 सीटी आने के बाद ये हमारी तुरइयाँ बिल्कुल सही हो गई थी। अब ये ठंडा हो जाएगा जब कुकर, हम आपको खोल कर दिखाएंगे। ये देखें, जब ठंडा हो गया, जब इसका प्रेशर ख़त्म हो गया, तब हमने कुकर खोला है। ये हमारी ऐसी भुनी भुनी तुरई खुद ही हो गई हैं। इसको हमने थोड़ा सा और 2 मिनट भून लिया है। ये देखें, तेल ऊपर आ गया है इसका, ये पहचाने की अच्छी तरह भुन गई हैं। उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये हमने निकाल ली हैं सारी तुरई। ये हमारी तुरई तैयार है। आप इसको बनाइए, खाइए, और मुझे दुआ में याद रखिए, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।